हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रासिटी प्रॉपर्टी गुरु। मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त एंकर तरन्नु। तो आज मैं दोबारा हाजिर हो गई हूं आपके लिए एक नया घर लेकर। आज जिस लोकेशन पर मैं आपको लेकर आई हूं, जिस प्रोजेक्ट पर आज मैं आपको लेकर आई हूं, उसका नाम है प्रेस्टीज टावर्स। जी हाँ, एंड ये लोकेटेड है आपके 117 सेक्टर मोहाली में। अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ तो ये कनेक्टेड है डायरेक्टली विद योर PR7 एंड योर अपकमिंग रोड PR6, जो कि धर्मेंद्र जी का एक रेस्टोरेंट है धर्म गरम करके, वहाँ से आपका एक रोड निकल रहा है जो आपका अपकमिंग रोड है, तो वहाँ से भी ये डायरेक्ट एडजॉइंट है। तो लाइक कनेक्टिविटी आपको यहाँ पर बहुत अच्छी मिलने वाली है। आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें आपको माईवान टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, वो माईवान टेक्नोलॉजी के थ्रू बना हुआ है। एंड यहाँ पे बहुत कम प्रोजेक्ट आपको ऐसे मिल जाएंगे जो माईवान टेक्नोलॉजी से बने होते हैं, क्योंकि ये एक फॉरेन की टेक्नोलॉजी है जो धीरे धीरे इंडिया के लोग भी यूज़ कर रहे हैं। इससे आपको ये फ़ायदा हो जाता है लाइक जो प्रोजेक्ट है उसका पोजीशन आपको जल्दी मिल जाता है, क्योंकि इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो जल्दी हो जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता। जैसे हमारा ब्रिक कंस्ट्रक्शन जो होता है वो टाइम लेता है, तो माईवान उतना टाइम कंज्यूम नहीं करता है, जल्दी जल्दी तैयार हो जाता है। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ प्रेस्टीज में एक 3 BHK का एक्चुअल अपार्टमेंट जो अभी बन रहा है इन द साइज ऑफ 1720 square feet। तो आइए अब मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। आप मेरे पीछे आज के हमारे प्रोजेक्ट का एंट्री एंड एग्जिट गेट देख सकते हैं, जहाँ पे आपको 3 tier सिक्योरिटी मिलने वाली है। अगर आपसे मिलने कोई भी आता है आपके फ्लैट में, उसको जाना है तो यहाँ पे उसको पहले रजिस्टर करवाना पड़ेगा, देन यहाँ से आपके लिए कॉल जाएगा। अगर आप उसको अलाउ करेंगे तभी वो आपके फ्लैट में एंट्री कर सकते हैं, वरना नहीं। एंड यहाँ से बिल्कुल सामने अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे आपको 80 फीट वाइड रोड मिल जाता है, जो कि प्रोजेक्ट का अपना रोड है लाइक। तो यहाँ पे आपको कंजस्टेड फील नहीं होने वाला है लाइक, एंड ट्रैफिक का भी कोई इशू आपको नहीं होगा। तो ये था हमारा आउटर ओवरव्यू। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे आज के एक्चुअल 3 BHK फ्लैट में। आइए, प्रोजेक्ट में आपके टोटल 5 towers रहेंगे जो कि सारे 3 BHK के रहेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, जैसे कि कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल ही रही है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं माईवान कंस्ट्रक्शन का। एंड अगर मैं पार्किंग की बात करूँ, यहाँ पे आपको डबल पार्किंग मिल रही है लाइक, आपको बेसमेंट पार्किंग भी मिल रही है जिसका रास्ता आपका यहाँ से जाएगा बेसमेंट के लिए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको स्टिल्ट में भी पार्किंग मिल रही है, तो आपको डबल पार्किंग यहाँ पे अलॉट की जाएगी, आपको पार्किंग का इशू यहाँ पे नहीं आने वाला है। तो आइए आगे चलते हैं। तो अभी मैं खड़ी हूँ हमारे आज के एक्चुअल फ्लैट की लॉबी एरिया में। एक फ्लोर पे आपको 4 apartments मिल जाएंगे एंड अपने फ्लोर में एक्सेस करने को आपको यहाँ पे 2 medium मिल जाते हैं। एक है आपका स्टेयरकेस एंड सेकंड इज़ योर लिफ्ट। यहाँ पे आपको 2 lift मिलने वाली हैं। आप ये स्पेस दे के आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितनी बड़ी लिफ्ट आपको मिलने वाली है, जो कि बहुत कम प्रोजेक्ट्स में आपको मिलती है। इस साइड भी आप स्पेस देख सकते हैं एंड उस साइड भी आप स्पेस देख सकते हैं, यहाँ पे कितना ज़्यादा बड़ा आपको लिफ्ट यहाँ पे मिलने वाला है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे आपको स्टेयरकेस भी 2 मिलने वाले हैं। एक स्टेयरकेस आपका यहाँ से आ जाएगा एंड एक आपका यहाँ से आ जाएगा, लाइक आपको 2 entries मिल रही हैं स्टेयरकेस से भी। तो अब हम चलते हैं हमारे आज के एक्चुअल फ्लैट में। एंड गाइज, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको ये जो घर है ये आपको सेमी फर्निश्ड मिलने वाला है लाइक, आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे इनबिल्ट मिलने वाली हैं विद द परचेज। जैसे यहाँ पे आपको कवर्ड्स मिलेंगे, फैंस आपको पूरे घर में लगे हुए मिलेंगे, आपके गीजर्स हर बाथरूम में लगे हुए मिलेंगे एंड आपका RO लगा हुआ मिलेगा एंड किचन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको वहाँ पर बताऊँगी जो आपको इनबिल्ट यहाँ पर मिलेंगी। एंड यहाँ पर इस साइड आएगा आपका वॉशरूम, जो कि काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम है। यहाँ पे वॉशरूम में भी आपको सारी फिटिंग्स सारी मिलेंगी यहाँ पे। एंड प्लस पॉइंट वॉशरूम का ये, यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ा विंडो भी मिल रहा है फॉर द वेंटिलेशन। एंड अगर आप इस साइड आएंगे, यहाँ पे ये आपका बालकनी रहेगा
एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि सिर्फ फर्स्ट फ्लोर वालों के लिए एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे रहने वाली है कि आप बाहर जो स्पेस देख रहे हैं ये फर्स्ट फ्लोर वालों को अलॉट होने वाला है, सिर्फ फर्स्ट फ्लोर वालों को ही मिलेगा। एंड यहाँ पे इतना स्पेस है कि अगर आप घर में कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं, कोई छोटा मोटा फंक्शन करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, इतना स्पेस यहाँ पे है। तो दिस वॉज आवर फर्स्ट रूम, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पे एंट्री करते आपको ड्राइंग डाइनिंग कंबाइन मिल जाएगा जो कि अगेन काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पे आपका बड़ा सा डाइनिंग टेबल आराम से आ जाएगा एंड यहाँ पे आप अपना सिटिंग का, यहाँ पे आप सोफ़ा लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जिससे आपका ड्राइंग एंड डाइनिंग जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे। एंड उसके साथ बिल्कुल ही अटैच है यहाँ पे किचन। यहाँ पे आपको फुली मॉड्यूलर किचन मिलने वाला है जिसमें आपको माइक्रोवेव, आपका आरओ, आपका गीज़र आपको यहाँ पे लगा हुआ ऑलरेडी इनबिल्ट मिलेगा। प्लस आप इधर आएंगे, यहाँ पे आपको किचन के साथ भी बालकनी मिलने वाली है। प्लस आपको एक और चीज़ दिखाऊंगी मैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट फ्लोर वालों को एक्स्ट्रा स्पेस मिलने वाला, तो यहाँ पे भी आपको वो एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे मिलने वाला है जो कि सिर्फ फर्स्ट फ्लोर वालों को ही मिलेगा। तो आगे बढ़ते हुए अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड बेडरूम में। तो यहाँ रहेगा आपका सेकेंड बेडरूम जो कि अगेन काफ़ी स्पेशियस बेडरूम है। इसमें भी आपको बालकनी मिल जाएगी जहाँ से आप बाहर वाले स्पेस के लिए भी एक्सेस कर सकते हैं एंड यहाँ पे आपका कबर्ड आ जाएगा। एंड इस साइड अगर आप देखेंगे एंड ये है आपका वॉशरूम, काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम है ये भी। यहाँ पे भी आपको सारी फिटिंग्स इन बिल्ट मिलेगी विद द परचेज एंड वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे भी आपको विंडो दी गई है तो आपकी वेंटिलेशन का भी पूरा ध्यान रखा गया है इस घर में। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर थर्ड बेडरूम एंड ये है आपका थर्ड बेडरूम। यहाँ के सारे रूम्स लाइक आपके काफ़ी स्पेशियस रूम्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं एंड यहाँ पे भी आपको बालकनी अटैच मिलेगी इसके साथ भी, प्लस आपका वॉशरूम जिसमें आपको सारी फिटिंग्स लगा के देंगे विद द परचेज एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका कवर्ड। सो गाइज, नाउ आई एम ऑल डन विद माई टूडेज प्रोजेक्ट टूअर जहाँ पे मैंने आपको दिखाया पूरा प्रोजेक्ट प्रेस्टीज टावर का जो कि बना हुआ है माइवान कंस्ट्रक्शन के अंडर। वहाँ पे मैंने आपको 3 BHK दिखाया जो कि काफ़ी स्पेशियस था इन द साइज ऑफ 1720। पूरे 5 टावर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 3 BHK के ही। एंड अगर मैं आपकी पार्किंग की बात करूँ, यहाँ पे आपको 2 पार्किंग मिल रही है। एक तो आपका कंसेप्ट है S+17 का, तो आपको स्टिल्ट में भी पार्किंग मिल जाएगी एंड आपको एक बेसमेंट में भी यहाँ पे पार्किंग मिल रही है। प्लस अगर मैं बात करूँ एमिनिटीज़ की, तो आपको प्रोजेक्ट के अंदर ही आपको यहाँ पे क्लब हाउस भी मिल रहा है, आपको ग्रीन एरियाज मिल रहे हैं, आपको प्लेइंग एरिया यहाँ पे मिल रहे हैं। तो लाइक काफ़ी अच्छा आपका ये प्रोजेक्ट बनने वाला है। एंड अगर मैं बात करूँ वन ऑफ द मेजर फैक्टर की जो कि है आपका लोकेशन, तो प्राइम लोकेशन पे लोकेटेड है आपका प्रोजेक्ट, 117 सेक्टर मोहाली लोकेटेड है ये एंड डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके PR7 के साथ एंड योर अपकमिंग रोड PR6 के साथ जो फर्दर कनेक्टेड रहेगी आपकी लांड्रा के साथ। तो गाइज लाइक काफ़ी अच्छी ऑप्शन आपके लिए हो सकती है अगर आप भी सर्च कर रहे हैं 3 BHK। एंड एक और बात, आप हर वीडियो में मुझे बोलते हैं मैम आप प्राइस क्यों नहीं बताते, तो लो इस वीडियो में आपको प्राइस भी बता देती हूँ कि यहाँ पे जो आपका 3 BHK है उसका जो अभी प्राइस चल रहा है वो है आपका 6990 का एंड आने वाले टाइम में ये जो प्राइस है आपका वो इंक्रीज करने वाला है। ये अभी का प्राइस मैं आपको बता रही हूँ, तो जल्दी जल्दी बुकिंग कीजिए उससे पहले कि प्राइस जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। आप यहाँ पे अपने फ्लैट जल्दी जल्दी बुकिंग कीजिए एंड हमें कॉल कर सकते हैं आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे एंड वी आर रेडी टू असिस्ट यू। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।